हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। और टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, पीओके वाला पार्ट का टॉपिक है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, भारत के साथ कब विलय होगा पीओके। ये टॉपिक आप लोग के मन में भी काफी ज्यादा जहन में आता होगा। एंड सो काफी कुछ सोचता होगा यार, पीओके सुन सुन के बोर हो चुके हैं। आज दिन पीओके वाला पार्ट में हमें देखने को मिलती है प्रोटेस्ट वगैरह। सो कब विलय होगा, आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं रितेश सिंह यहाँ पे। हालांकि जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस, ये विपक्ष के रूप में काम करते हैं। और पीओके में अगर हम बात करें गाइस, अभी इन्हीं की सरकार है यहाँ पे, मतलब इन्हीं, हालांकि ये तो जेल में है ठीक है, लेकिन इन्हीं की अभी सत्ता के लोग अभी पीओके पे थोड़ा सा राज करते हैं। हालांकि उनका एक अलग प्राइम मिनिस्टर होता है यहाँ पे, और ये अभी फाइनल गाइस वहां के प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का यहाँ पे। खैर, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गाइस, कल ही एक प्रोटेस्ट हुआ था पीओके में, और जिसमें बताया जाता है, पहले इस फ्लैग को समझ लीजिए। इस फ्लैग में यह बताया जा रहा है कि जो पीओके के जो लोग हैं ना, वो काफी प्रोटेस्ट करते हैं। तो वो चाहते हैं क्या कि अच्छा, पीओके का भी अलग फ्लैग है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे देखिए गैस, ये जो है ना फ्लैग पीओके का है, जिस तरह पहले हुआ करते ना जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग, सेम वहां भी ऐसी सिचुएशन गैस, ये है गैस पीओके का फ्लैग यहाँ पे। तो पीएफओ के जो लोग है ना, वो कहना चाहते हैं कि आप हमें आजाद कर दो, हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं जाना चाहते यहाँ पे, और आप आजाद कर दोगे तो हम खुद का एक अपने आप में स्वतंत्र हो जाएंगे। या दूसरा ऑप्शन है कि ये इंडिया के साथ विलय होना चाहते हैं, इस वाला फ्लैग को अपनाना चाहते हैं यहाँ पे, है ना, जो कि अपना प्यारा सा भारत का यहाँ पे। खैर, इसी सब टॉपिक पे हम काफी कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो कल प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे लोग घायल भी हुए हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है यहाँ पे। एक जो पुलिस अधिकारी है वो मारे गए हैं, और लगभग 100 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे गैस इंजर्ड हुए यहाँ पे, घायल हुए यहाँ पे। हालांकि ये प्रोटेस्ट पहली बार नहीं है कि पीओके वाला पार्ट के लिए प्रोटेस्ट वगैरह होता रहता है, अक्सर आए दिन सुनने को मिलता है यहाँ पे। अच्छा, ये प्रोटेस्ट होता क्यों है? तो सिंपल बात है, जब आपको घर में खाना पीना ना मिले ना, तो प्रोटेस्ट तो करोगे ही करोगे। देखो, भले आप बेरोजगार हो, निठल्ले बैठे हो, तो आपके मन में कई सारा फीलिंग आते हैं यहाँ पे, कई सारा फीलिंग आते हैं। सेम यहाँ भी ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में क्या है, बेरोजगारी दर गैस बहुत ही गिरी हुई है यहाँ पे, भुखमरी भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, पैसा की स्थिति भी काफी ज्यादा कम है यहाँ पे, मतलब बहुत ही दयनीय लाइफ से गुजर रहे हैं पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे, और बगल में इंडिया है यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, इंडिया के लोग काफी अप हो रहे हैं यहाँ पे, वहां के उन्हें ऐसा लगता होगा शायद, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से तो बहुत ही बेटर है अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, जब आपके सामने कुछ ऐसा घर हो और आपका घर में कुछ ऐसा ना हो, तो थोड़ा बहुत तो मन जरूर करता है कि काश उस घर में होते। तो यही के कारण, इसी सब रीजन की वजह से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट काफी ज्यादा करते हैं। नाउ, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है गाइस, टैक्स के लेके ये प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ पे। हालांकि कहीं एक पुलिस ऑफिसर मारे गए, कहीं दो पुलिस ऑफिसर बताए जा रहे हैं, कुल मिला के समझ लो कि पुलिस ऑफिसर भी मारे गए, क्योंकि काफी हाई लेवल का प्रोटेस्ट हुआ था। अब टैक्स क्यों बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि वो पूरा पाकिस्तान के कर्मचारी को चला सके, आम जनता के लिए काफी कुछ अवेलेबल करा दे, तो क्या करते हैं, वो टैक्स ही बढ़ाता है। भाई, टैक्स बढ़ाएगा तो ही तो पाकिस्तान के पास पैसा आ पाएगा, तो इसके लेके प्रोटेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि देश के आजाद के लेके प्रोटेस्ट होता है, कभी बिजली बिल के लेके प्रोटेस्ट होता है, तो कई तरीके के प्रोटेस्ट होता है। ये प्रोटेस्ट होता ही चलेगा यहाँ पे, ये नहीं कि रुकने वाले हैं प्रोटेस्ट, बस उन्हें बहाना चाहिए, वहां के लोग को बहाना चाहिए, क्योंकि वो लोग नहीं रहना चाहते हैं पीओके में, लेकिन पाकिस्तान में जबरदस्ती रखा जा रहा है। नाउ, रिसेंटली यहाँ भी देख सकते हैं अमित शाह के द्वारा 10 मई 2024 का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अमित शाह के द्वारा बोला गया था यहाँ पे, एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग टू इंडिया यहाँ पे। मतलब इनके कहने के मतलब है कि जो पीओके के पार्ट है, वो एक एक इंच वो इंडिया का बिलोंग करता है, ना कि पाकिस्तान का बिलोंग करता है। पाकिस्तान तो भाई अपने कब्जा में रख रखा है, यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा त्रस्त हैं इंडिया में आने के लिए, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे आप आजाद करो, चाहे यहाँ पे आप मुझे ले आओ। हालांकि गैस, जब पीओके वाला पार्ट को अगर सपोज डेट ये इंडिया में मिला लिया जाए, ठीक है, ये अभी गैस किसके पास है, हालांकि ये इंडिया का, लेकिन अभी पाकिस्तान का कंट्रोलिंग है यहाँ पे, और ये है अपना प्यारा सा भारत। और ये वाला पार्ट देखते हैं, ये जो छोटा पार्ट है, ये गैस चीन को दे दिया गया है, पाकिस्तान की ओर से ग्रिपिंग भाई ले लो, तब तो रिलेशनशिप काफी अच्छा होगा। तो ये एक ज्वाइंट भी करती है, चीन को यहाँ से ज्वाइंट भी करती है, लेकिन पहले ये वाला पार्ट आएगा, फिर ये खुद पे खुद ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। खैर, यहाँ पे देखिए, अगर आपको हम बताने की कोशिश करें, तो जो पीओके वाला जो पार्ट है, हम इंडिया में क्या बोलते हैं, अभी जो दिखाए थे गाइस, जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट को पीओके बोलते हैं, जो पाकिस्तान कब्जा कर रखा है। लेकिन अगर बात करें लोग, पीओके के लोग या पीओके के जो लीडर हैं, वो बोलते हैं गाइस आजाद कश्मीर के नाम से जाते हैं, जिनको हम पीओके बोलते हैं वहां पे आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो कुछ ये घटना हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन
अब यहाँ पे मुद्दा है कि ये कब इंडिया में विलय हो जाएगा, इस बात से लेके काफी सारे लोग अपने आप में सोचते हैं यहाँ पे। तो देखिए जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे लगातार, अगर इसी हिसाब से प्रोसेस हर दो महीना एक मंथ में होता रहेगा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा मतलब बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूँ रिसेंटली अगर मैं देखूं तो बराबर हर दो तीन मंथ पे ये प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलती है कि जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर इसी हिसाब से प्रोटेस्ट चलता रहा कंटिन्यू यहाँ पे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हर कुछ दिन पे प्रोटेस्ट चालू हो जाता है पीओके वाला पार्ट में, और पीओके वाला प्रोटेस्ट होता है तो छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता है, काफी सारे लोग यहाँ पे घायल वगैरह भी होते हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यू अगर चलता रहा ना, तो आप देखोगे कि आने वाला 5 या 6 साल, आई थिंक 10 साल आप मान लो, 10 साल के अंदर अंदर आपको कुछ न कुछ आपका एक ज्योग्राफिकल व्यू इंडिया का आपका चेंज दिखेगा, जिसमें आपको लगेगा कि पीओके वाला पार्ट, क्योंकि एक दिन दो दिन का ये बात नहीं कि हाँ ये अपने विलय कर ले, टाइम जरूर लेगा, लेकिन जिस हमें प्रोटेस्ट करेगा तो बहुत ही जल्दी हो सकता है। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, ये प्रोटेस्ट होने के बाद जैसे कि गैस पीओके अगर अपना पार्ट बना रहा है यहाँ पे, सपोज पीओके बोले खुद का आजाद रहे ना, तो वो आजाद नहीं हो पाएगा, ये इंडिया में ही आके विलय हो सकता है। खैर आगे जो भी होगा हम आपको इसी चैनल पे लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।